वीर सावरकर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सावरकर पर एक किताब बांटी गई जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। मैं समझता हूं ये घृणित सोच, घटिया सोच की उपज है। वीर सावरकर कोई कांग्रेस में तो पैदा ले ही नहीं सकता। अगर देखना हो वीर सावरकर की जिंदगी को तो सेलुलर जेट के उस कमरे को देख लें जो नेहरू खानदान का कभी यातना सहा नहीं और अपने को स्वतंत्रता सेनानी और देश के लिए बलिदान कहने वाले हैं। अब कुछ दिन बाकी रहेगा जब जिन्ना के पक्ष में ये किताब पढ़वाएंगे कि जिन्ना एक महान नेता थे। कांग्रेस सेवा दल में के जो अधिवेशन के अंदर साहित्य बांटा गया है वो आज का नहीं, हमेशा साहित्यों को कांग्रेस सेवा दल के अंदर बांटा जाता है। और जो सावरकर जी से संबंधित उसमें जानकारियां हैं वो सब जग जाहिर है। उन्होंने 9 बार देश की अंग्रेजों की शासन में अपनी उनसे माफी मांगी थी, ये सबको मालूम है। उन्होंने जो उस समय वक्तव्य दिए थे या देश को दो भाग में बांटने के जिन्ना का जो शुभता था या जो जिन्ना की सोच थी उस सोच का कहीं ना कहीं समर्थन किया था, ये उस साहित्य में है। और साहित्य कोई कांग्रेस ने नहीं लिखा, साहित्यकारों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य। कांग्रेस पार्टी लगातार वीर सावरकर पर निशाना साध रही है और एक राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को इस प्रकार अपमान करके कांग्रेस पार्टी एक भूल कर रही है, पाप कर रही है। और लेकिन कांग्रेस को कोई शर्म नहीं है, जो सावरकर भक्त के साथ वो सरकार बनाए हुए हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ सत्ता की भोग लूट रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अभी एक साल पहले तक तो भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश, आज भी केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो नहीं पढ़ा जाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी बैठ के क्या कर रहे हैं? ऐसी पुस्तक को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? अगर प्रतिबंधित कर दें, विदेशी लेखकों ने लिखा है, अंग्रेज लेखकों ने लिखा है, तो उसका प्रसारण भी बंद हो जाएगा और उसको पढ़ना लिखना भी लोग छोड़ देंगे, लोग कोट करना भी छोड़ देंगे। तो दोषी अगर कोई है तो भाजपा वालों को मैं राय दे रहा हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी से कहें कि वो ऐसी किताब को प्रतिबंधित करें। बीजेपी नेता उमा भारती ने सावरकर को लेकर खुलासे की कड़ी निंदा की है। उमा भारती का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को मनोचिकित्सा कराने की जरूरत है। जो उसमें लिखा है वो घृणास्पद है, निंदनीय है, कांग्रेस के चारित्रिक वर्तन का प्रतीक है। इन लोगों को बहुत जल्दी मनोचिकित्सा की जरूरत है। वो उनको किसी साइकेट्रिस्ट के साथ में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबको ये सब लोग अपना संतुलन खो चुके, पागल हो चुके। लेकिन सारा झूठ, सारा बेबुनियाद, सब कुछ झूठ। अब हमारे मुंह से मत खुलवाइए। कांग्रेस के नेताओं के बारे में भी क्या क्या लिखा गया पुराने नेताओं के बारे में, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने उसको ओन किया? क्योंकि ये सब ने कहा कि कुत्सित है, निंदनीय है, तो हम भी यही कहेंगे कुत्सित है, निंदनीय है। और इससे ज्यादा इस गंदगी पर बोलने में हमको ही लगेगा कि हम नीचे गिर गए, बोलने में भी हमें लग रहा है कि हम नीचे गिर जाएंगे। इस पूरे हंगामे पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसमें दखल देना चाहिए, कांग्रेस से अपना रिश्ता महाराष्ट्र में तोड़ लेना चाहिए। वीर सावरकर कितने वीर, इस नाम की किताब को कांग्रेस सेवा दल की तरफ से, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस सेवा दल है उसकी तरफ से बांटा गया। आइए सबसे पहले हम रंजीत सावरकर से बात करते हैं और पूछते हैं, सर आपका रिएक्शन क्या था जब आपने ये सुना कि इस तरह की किताब बांटी गई? नहीं, ये कांग्रेस की हरकत बहुत कमीनी स्तर की है। इतनी नीचतम लेवल पर हमारी राजनीति कभी नहीं गई थी। इसके पहले भी कांग्रेस अपनी सत्ता के राजनीति के तहत सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करते रहे, मगर आज जो कल उन्होंने जो आरोप किए तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है। और मैं उद्धव ठाकरे जी से ये मांग करता हूँ कि आप सेक्शन 120, सेक्शन 500, सेक्शन 503, 4, 5 एंड 6 के तहत इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दायर करें और इनका अरेस्ट वारंट निकालें। क्या गोडसे के साथ कोई समलैंगिक संबंध की बात कहीं पे भी कहीं जिक्र है इसका? क्या परिवार में किसी को इस बात का ज्ञान था? देखो, पहली बार तो गोडसे उनके निकटतम सर्किट में कभी नहीं थे, वो एक कार्यकर्ता थे, सावरकर एक पक्ष के प्रमुख थे ऑल इंडिया लेवल के। दूसरी बात, एक फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब थी, इसमें ये बात छपके आई थी, मगर तब सावरकर जी के सुपुत्र विश्वासराव सावरकर और उनके भतीजे विक्रम सावरकर ने लीगल प्रोसीडिंग्स की, तो विकास पब्लिकेशंस जो पब्लिशर्स है उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी
और सावरकर स्मारक को 2 लाख रुपया डोनेशन भी दिया था। तो इसके बाद उसके बिकॉज देर इज नो एविडेंस एट ऑल, तो ऐसी कोई जिसको कोई बुनियाद नहीं है ऐसी बातें लेकर व्यक्तिगत रूप से ऐसे घृणास्पद आरोप करना ये कांग्रेस को तो शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस आज की कांग्रेस है ये रीढ़ की हड्डी गवा चुकी है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी तो उनको वीर सपूत कहती थी, तब कांग्रेस वाले भी हाँ में हाँ मिलाते थे, मगर आप जब ये पप्पू इनका अनाप शनाप बातें करता है तो कांग्रेस वालों में होड़ लग गई है कि मोर लॉयल देन द किंग, ये तरीके से ज़्यादा ज़्यादा आगे करने लगे। तो मुझे लगता है कि अभी एक समय आ गया है कि इसके ऊपर स्ट्रांग एक्शन ले, और इसलिए मैं उद्धव ठाकरे से अपील करता हूँ कि आप इमीडिएट इस पर एक्शन लो।